पिछले काफी लंबे समय से कोरोना वायरस हमारे बीच में है। ऐसे में हर किसी को ये समझना होगा कि कोरोना वायरस महामारी काफी खतरनाक है और इसे हल्के में लेने की भूल करना मतलब खुद की जान जोखिम में डालने जैसा ही है। वहीं ये वायरस अपने रूप बदलने में सक्षम है और अब तक इसके कई रूप सामने आ चुके हैं। इन दिनों कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि ये बेहद घातक है। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका में देखा जा रहा है। वहीं अस्पतालों में युवा ज्यादातर भर्ती नजर आ रहे हैं जिन्होंने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वायरस से खुद को बचाए कर रखें। हाल ही में डेल्टा वेरिएंट के कुछ खतरनाक लक्षणों के बारे में बताया गया है जिन्हें पहचान कर व्यक्ति समय रहते अपना इलाज करा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल ओक्लाहोमा स्टेट मेडिकल एसोसिएशन के एक पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जॉर्ज मॉर्स्कस ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने डेल्टा को लेकर चेतावनी देते हुए इसकी वजह से पैदा होने वाली दिक्कतों और लक्षणों के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी है कि अगर व्यक्ति को स्वाद या गंध ना आए जैसे लक्षण महसूस नहीं होते हैं लेकिन आपको इसके अलावा बाकी लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करते हुए अपनी जाँच करवानी चाहिए। डॉक्टर जॉर्ज ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट के ये हैं लक्षण: खांसी होना, सांस की तकलीफ, बुखार आना, शरीर में दर्द, नाक का बहना। इस बीच कोरोना के कुछ आम लक्षण हैं जो लोगों में शुरुआत में नजर आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कोरोना की चपेट में आता है तो उसमें इस तरह के लक्षण नजर आते हैं और ऐसे में हमें इन लक्षणों को भी हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये हैं कोरोना वायरस के आम लक्षण: बुखार आना, ठंड लगकर बुखार आना, खांसी या गले में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत, थकान होना, शरीर और मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश, नाक का बहना, स्वाद या गंध की कमी आदि। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।